Hey guys, welcome back to my channel. Today I will going to tell you how easily you will create text neon effect with some quick and easy steps. Before we begin, if you are new to this channel, please subscribe to my channel and hit that bell icon so you don't miss my uploads. So let's start. तो सबसे पहले हम artboard सेट कर लेते हैं अपना. यहाँ पे डायमेंशंस देख सकते हैं आप. तो अब हम अपने बैकग्राउंड को कलर दे देंगे. वैसे नियॉन डार्क कलर्स पे ज़्यादा अच्छे से जाता है, तो मैं फिलहाल अपने बैकग्राउंड को ब्लैक कलर दूंगी. टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लूंगी यहाँ से. यहाँ पे मैंने फॉन्ट यूज किया है साइड लाइंस. तो नियॉन बनाने के 5 सिंपल स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं. आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप यूज करने की जरूरत नहीं है. सिंपल 5 स्टेप हैं जिससे आप इजीली अपना नियॉन टेक्स्ट बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम कलर डिसाइड कर लेते हैं. मेरे को थोड़ा ब्लू टोन में जाना है. आप कोई भी रेड टोन ले सकते हैं, येलो टोन ले सकते हैं, ग्रीन टोन ले सकते हैं, ऑरेंज टोन ले सकते हैं, बट मैं येलो टोन ब्लू टोन यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा टेक्स्ट फ्लैट है. तो अब हम इस पे इफेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं. टेक्स्ट लेयर पे जाके डबल क्लिक करेंगे. ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक पैलेट खुल जाएगा, लेयर स्टाइल ब्लेंडिंग ऑप्शन. तो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट के ऊपर आउटर ग्लो डालेंगे. आउटर ग्लो पे क्लिक करेंगे. कलर चेंज करते ही आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा. जैसे यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, फ्लैट है हमारा टेक्स्ट. आउटर ग्लो पे क्लिक करते ही हमारे पास एक आउटर सरफेस पे टेक्स्ट के आपको एक ग्लो दिखेगा. यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे. ओके, आउटर ग्लो हमारा सेट हो गया है. अब हम इनर ग्लो सेट करेंगे. इनर ग्लो पे क्लिक करेंगे. इनर ग्लो भी हमारा सेट हो चुका है. डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं अपने टेक्स्ट पे. जैसे मैं इनर ग्लो हटाऊंगी तो आप देख सकते हैं लाइट हट रही है. आउटर ग्लो हटाती हूँ तो भी. फर्स्ट स्टेप है हमारा आउटर ग्लो. हम अपने टेक्स्ट में पहले आउटर ग्लो सेट करेंगे, देन हम इनर ग्लो सेट करेंगे. से हमें आउटर भी दिखे और इनर भी हमारा ग्लो, जो वो लाइटनिंग नियॉन में आपने देखा होगा वो एक लाइटनिंग होती है, तो वो दोनों साइड दिखे. थर्ड स्टेप है हमारा इनर शैडो. इनर शैडो पे क्लिक कर लेंगे. आप अपने अकॉर्डिंग ब्लेंड मोड सेट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि कहाँ आपको ज्यादा रखना है, कहाँ कम रखना है, कहाँ आप ब्लेंड कर सकते हैं अपने कलर को, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करके उसको सेट कर सकते हैं. अब हम फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं, कलर ओवरले. अब हम ड्रॉप शैडो ऐड कर लेंगे. आप देख सकते हैं ड्रॉप शैडो ऐड करते ही ग्लो करने लग गया है.
आप देख सकते हैं हमारा नियॉन इफेक्ट रेडी है। अब हम बैकग्राउंड सेट कर लेंगे अपना। तो यहाँ पे मैं एक लाइट ऐड कर लूंगी अपने बैकग्राउंड में, जिससे मेरा इफेक्ट अनरियल ना दिखे। सो दिस इज इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जैसे कि आपने देखा, हमने 5 स्टेप्स के अंदर इजीली और क्विकली अपना नियॉन इफेक्ट रेडी कर लिया है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर ग्राफिक डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोज़, एंड बेल आइकन को हिट कर लें। बाय गाइज।